नमस्कार, मैं हूँ मारिया अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीपीटी न्यूज। पूरे भारतवर्ष में 2 मई से 5 मई तक स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ अभियान के तहत आज नूरपुर की बीटीसी कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। वहीं रैली स्कूल से शुरू होकर पूरे बाजार से होते हुए वापस पहुंची। बीटीसी गवर्नमेंट गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ से रैली निकाली जा रही है, जो स्वच्छता अभियान जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए निकाली जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अभियान चलाया था 2 अक्टूबर 2014 को, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2019 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ है, तब तक वे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो उसी लक्ष्य को पूरा करने हेतु आज हमारे स्कूल की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली द्वारा हम सभी जो नूरपुरवासी हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि वे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उन्हें स्वच्छ रहना होगा। स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इस रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वे नालियों में या गलियों में गंदगी ना फैलाएं, कचरा जो है इसे अलग जो कचरा पेटी रखी गई है वह उसमें डालें, उसका प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें और सड़कों पर कचरा ना फेंकें। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता अभियान जो कि 2 तारीख से 5 तारीख तक चलेगा, इसमें भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न गतिविधियाँ जो है बच्चों द्वारा करवाई जाएंगी। जैसे आज रैली है और कल भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, नारा लेखन वगैरह करवाया जाएगा और 5 को विद्यालय कैंपस को स्वच्छ बनाया जाएगा, जिसमें पानी की शुद्धता, शौचालय, कक्षा कक्ष, जो भी कार्यालय हैं उन सभी को हम साफ सुथरा करेंगे, सारा स्टाफ और स्टूडेंट्स मिलकर के। ये अभियान जो है ये केंद्र सरकार द्वारा 2022 जो कि हमारी 75वीं वर्षगांठ होगी आज़ादी की, तब तक अब इसका लक्ष्य को पूरा करने हेतु अभी से ये प्रयत्न किए जा रहे हैं। धीरे धीरे जब से ये स्वच्छता अभियान चला है तब से लेकर के आज तक पूरे समाज की मानसिकता में बदलाव आया है। बहुत सारे समाज के जो जन हैं उन्होंने कचरा प्रबंधन करना सीख लिया है और बहुत सारे सीखने की कोशिश भी